सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन से, जो कि आपका गेट 2020 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका जी एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 57 है। उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन दिस ग्रुप। तो आपको एक नॉन साइक्लिक ग्रुप दे दिया है ऑर्डर 57 का, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। तो सबसे पहला है कि इसको एक डायरेक्ट रिजल्ट से आप लोग कर सकते हैं। तो वो रिजल्ट आपका क्या है, आपके पास में अगर कोई नॉन एबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी इंटू क्यू है, जहाँ पे एक पी जो है वो आपका क्यू से लेस देन है, तो क्यू ऑर्डर के तो आपके पास में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्यू माइनस वन हो जाएंगे, और पी ऑर्डर के पी माइनस वन इंटू क्यू हो जाएंगे। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको 57 ऑर्डर दे रखा है, और जो जी है वो आपका नॉन साइक्लिक है। तो नॉन साइक्लिक है तो वो नॉन अबेलियन हो जाएगा, ठीक है, और आपका ऑर्डर 57 है, तो इसको हम 3 इंटू 19 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3 है वो 19 से लेस देन है, तो इस वाला जो रिजल्ट है हमारा अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पी का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, और क्यू का काम कर रहा है 19। तो हमें किस ऑर्डर का पता करना है, 3 का, मतलब हमारे लिए पी ऑर्डर के जो एलिमेंट्स है वो वाला फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे। तो पी ऑर्डर का एलिमेंट आपका पी माइनस वन इंटू क्यू, तो पी माइनस वन आपका हो गया 3 माइनस वन 2 हो गया इंटू 19, तो ये आपका हो गया 38। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 38। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि जी नॉन साइक्लिक है तो नॉन अबेलियन है, और इस फॉर्मूला से हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो आपका एक मेथड था। दूसरा मेथड जो है हम अप्रोच कर सकते हैं साइलो वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 57 है, 3 इंटू 19। ठीक है, तो हमारे पास 3 साइलो सब ग्रुप और 19 साइलो सब ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम 19 साइलो सब ग्रुप देखेंगे, तो आपका 1 प्लस 19 की जो है वो डिवाइड करना चाहिए 3 इंटू 19। तो 19 हम चेक कर रहे हैं तो आपका 3 बच गया, तो ये 3 को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो क्या है कि 1, क्योंकि 3 को डिवाइड करता है तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। पर अगर 1 प्लस 19 के 3 हुआ, इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस 19 के इक्वल टू 3, इम्प्लाई 19 के इक्वल टू 2 के इक्वल टू 2 बाई 19, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये के है ये इंटीजर होना चाहिए, तो आपके पास में जो 19 साइलो सब ग्रुप हो गया वो 1 आ गया। सिमिलरली आप 3 साइलो सब ग्रुप भी निकाल सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो यहाँ पे आपके पास में 3 साइलो सब ग्रुप जो आया वो या तो 1 हो सकता है या फिर 19 हो सकते हैं आपके पास में। ठीक है, अब हमारे पास एक बार हम देखते हैं कि आपका ग्रुप का ऑर्डर 57 है, मतलब 3 इंटू 19 है। तो आपके पास इस ग्रुप में पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 19 हो सकता है, 57 हो सकता है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब क्योंकि ये आपका नॉन अबेलियन है तो 57 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके पास पॉसिबल हो गया 3 और 19। ठीक है, तो 19 साइलो सब ग्रुप आपके पास में यूनिक मिल रहा है ना, और 19 साइलो सब ग्रुप है, तो इसमें भी आपका जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर 1 या फिर 19 मिल सकता है, इसके अलावा आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे जो 19 ऑर्डर के जो आपके पास में एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपके इस साइलो सब जो 19 साइलो सब ग्रुप है इसी में मिलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपके पास में जो 19 साइलो सब ग्रुप जो है इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए उनको छोड़ के बाकी इस ग्रुप में आपके किस ऑर्डर के एलिमेंट मिल जाएंगे, 3 ऑर्डर के। क्यों? क्योंकि 57 आपका ऑर्डर मिलना नहीं है, 1 आपका ट्रिवियल आइडेंटिटी का ही ऑर्डर हो गया, और 19 ऑर्डर के एलिमेंट आपको इस 19 जो साइलो सब ग्रुप है उसमें मिल जाएंगे। तो इसके अलावा जो बच गई वो आपके 3 ऑर्डर के एलिमेंट बच जाएंगे। ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि 19 साइलो सब ग्रुप के कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं उसको अगर हम 57 में से माइनस कर देंगे तो बाकी जो बच गए वो आपके 3 ऑर्डर के सब एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो 19 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर आपका 19 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 57 में से 19 माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास में कितना बच गया, 38। और अभी हमने क्या कहा था कि
इस साइलो सब ग्रुप जो 19 है, इसके अलावा इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचेंगे वो आपके थर्ड थ्री ऑर्डर के मिल जाएंगे। तो आपके पास में थ्री ऑर्डर के कितने एलिमेंट बच गए, 38। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो मेथड डिस्कस कर दिए हैं, आप जिस मेथड से कंफर्टेबल फील करते हैं उससे आप कर सकते हैं।